व्यूअर्स, आज की वीडियो होने वाली है हमारी ऑयल के ऊपर। आप जो ऑयल यूज़ करते हैं अपने बाइक्स में, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक या फिर फुल्ली सिंथेटिक, या फिर बोलो तो मिनरल ऑयल, तीन तरह के ऑयल आपके मार्केट में आते हैं। तीनों को मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में, ये आ रहे तीनों के तीनों। इन तीनों ऑयल्स के बारे में अगर मैं बताऊँ, पहला ऑयल होता है आपका मिनरल ऑयल, जो यूज़ होता है आपका नॉर्मल बाइक्स के अंदर, जैसे स्प्लेंडर, प्लेटिना, डिस्कवर, इन सभी के अंदर। फिर आता है आपका सेमी सिंथेटिक ऑयल, जो यूज़ होता है आपके पल्सर, हीरो एक्सट्रीम, एक्सपल्स, अपाचे और आपकी R15, इन सब के अंदर। फिर आता है आपका फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, जो यूज़ होता है आपका बुलेट 350, क्योंकि जिनके सीसीज ज़्यादा होती हैं, इंजन के पल्सर 200RS, 150AS, 200AS, 200NS, इन सब बाइक्स में, पल्सर्स की जो स्पोर्ट्स मॉडल है उनके अंदर, और जो आपके अदर बाइक्स के हैवी मॉडल्स हैं उनके अंदर। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे बुलेट के अंदर अगर हम ऑयल का ग्रेड कम करके डाल दें तो क्या उसकी टॉप स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं। बुलेट टॉप स्पीड के मतलब से बनी ही नहीं है, बुलेट आपकी नॉर्मल कम्यूट बाइक है जो घूमने फिरने के लिए बनाई गई है, जिसके सीसी तो ज़्यादा है बट इंजन वही छोटा है। इंजन के जो पार्ट्स हैं वो उतने ही हैं जितने डायमीटर के नॉर्मल बाइक्स के होते हैं। बुलेट की जो क्रैंक है वो उतनी ही बड़ी है जितनी डिस्कवर की होती है, फिर जितनी हीरो की, एक्सपल्स की होती है, उतनी ही बड़ी है। बट उसके इंजन का डायमीटर बढ़ाकर बस केवल उसके सीसी बढ़ा दिए गए हैं ज़्यादा आवाज़ के लिए। तो अगर ज़्यादा आपको टॉर्क चाहिए था, आवाज़ चाहिए, तो आप बुलेट के साथ जा सकते हो, उसके ग्रेड कम कर सकते हो ऑयल के, तो आवाज़ ज़्यादा आपको आने वाली है। दूसरी चीज़, अगर मिनरल ऑयल की मैं बात करूँ तो मिनरल ऑयल यूज़ होता है बहुत छोटी सी चीज़ों के लिए, जैसे कि अगर आपको मार्केट में घूमना है या फिर अगर आपको नॉर्मल आपका डेली रूटीन में 20 किलोमीटर का रन है तो आपको मिनरल ऑयल सही है। बट अगर आपका रूटीन ज़्यादा है, जैसे आप लॉन्ग ट्रेवल करते हो, जैसे आपका रोज़ का लगभग 70 किलोमीटर्स हो जाता है अप एंड डाउन दोनों मिलाकर, तो आपको सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊँ अगर सिंथेटिक ऑयल किसको किसको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आपका पल्सर सीरीज़ में अगर आप 150 सीरीज़ में AS, 150SS प्लस 200NS, 200RS, 200 या फिर 220 या फिर डोमिनार 400, इन सब में आप सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनके इंजन को रिक्वायरमेंट होती है, हीट ज़्यादा होती है और इनकी हीटिंग की वजह से इनमें ये इशू आता ही है, इसलिए आप इनमें सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर सकते हो। सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल हम कब यूज़ करते हैं, जब हम आप रेव ज़्यादा करते हो इंजन को, तब आपको फुल सिंथेटिक ऑयल चाहिए होता है। जिसकी लाइफ की अगर बात करो तो मिनरल ऑयल की लाइफ होती है 2,500 किलोमीटर प्लस, उसके बाद सेमी सिंथेटिक ऑयल की लाइफ होती है 3,500 से 4,000 किलोमीटर प्लस, उसके बाद अगर बात करूँ तो सिंथेटिक ऑयल की जो लाइफ होती है 5,000 से 6,000 किलोमीटर, लेकिन वो होती है आपके स्मूथ एक्सीलेटर पे। अगर आप रश एक्सीलेटर करते हो तो इन सब में से 1,000 किलोमीटर आप माइनस कर सकते हो। नॉर्मली अगर बात करूँ ऑयल की, ऑयल किस कंपनी का यूज़ करना चाहिए, मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ मोटुल। कैस्ट्रोल में यूज़ इसलिए नहीं करता क्योंकि कैस्ट्रोल डुप्लीकेट बहुत आ चुका है मार्केट में, इसलिए हम कैस्ट्रोल यूज़ नहीं करते हैं। मैं आपको सलाह भी नहीं देता हूँ, कैस्ट्रोल यूज़ भी मत करें, या फिर शेल एडवांस यूज़ करता हूँ। आप ऑयल वे यूज़ कीजिए जो मार्केट में फिलहाल फेमस नहीं है या फिर बहुत रेयर तरीके से मिलते हैं, क्योंकि अब डुप्लीकेट ऑयल बहुत आ गए मार्केट में। तो सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक या फिर मिनरल ऑयल, ये चॉइस आपकी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप 150cc तक की बाइक्स चलाते हो, 2-valve इंजन, तो आप सेमी सिंथेटिक ऑयल के साथ जाओ। अगर आपका 4-valve इंजन है या फिर आपके सीसीज 150 से ऊपर हैं तो आप फुली सिंथेटिक ऑयल के साथ जाओ। और मैं रिकमेंड करता हूँ आप मोटोल और शेड एडवांस यूज़ करो। थैंक यू।